हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको हिंदी पढ़नी है, तो हमने सोचा आपको हिंदी थोड़ा सा नोट्स के रूप में पढ़ाया जाए। आपने कहा था कि नोट्स आपको चाहिए, आप अलग अलग कमेंट्स करते हैं कि मुझे नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप नोट्स जाकर के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। ओके मेरे दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीए में हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा है, ऑलरेडी इस चैनल पर 1500 वीडियोज अपलोडेड है आपके बीए से रिलेटेड। तो जाकर के एक बार विजिट करो, आप जिस भी ईयर में जो भी सब्जेक्ट है उसके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो जाकर के आप अपनी पढ़ाई को और भी इफेक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये हिंदी के साहित्य पर तीसरा लेक्चर है, यानी कि जो बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी है उस पर तीसरा लेक्चर है, एंड तीसरा ये नोट्स आपको मिलने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय हम पढ़ने वाले हैं कि अमीर खुसरो का साहित्य में क्या योगदान है, उनका परिचय क्या है, किस तरह से उनके साहित्य हैं, कौन कौन सी कविताएं आपसे एग्जाम में पूछे जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज़ें तैयार रखनी है। तो अगर बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय की अगर बात करें, तो अमीर खुसरो जो है वो फारसी के महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं। भारत का ईरान और तुरान तक उनकी फारसी काव्य की बड़ी धूम है। विश्व में फारसी साहित्य के इतिहास में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। मौलाना सिवली निमानी के अपने जो है सन्न यानी कि सैरुल आजम में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में 600 बरस में आज तक इस दर्जे का जामे कलामात यानी कि उत्कृष्टताओं से परिपूर्ण कोई पैदा नहीं हुआ है। मिर्जा गालिब ने भी अपनी काव्य में माधुर्य के लिए सुख जो है खुसरो के ऋणी हैं, और कहते हैं कि मैं तो मधुर रस का संचार करने वाले महाकवि खुसरो के पांव धोकर के पीता हूं। जैसा कि इन्होंने क्या कहा हुआ है गालिब ने, गालिब मेरे कमल में क्यों कर मजा ना हो, पीता हूं धो के खुसरुए सीरी सुवन के पांव। इस तरह से इन्होंने कहा हुआ है कि गालिब मेरे कमल में मजा क्यों ना हो, पीता हूं धोकर खुशबुए सीरी खुसरुए सीरी सुखन के पांव, यानी कि अमीर खुसरो के पांव में धो करके पीता हूं, मेरी जो कविताएं हैं उसमें जो है खुशबू क्यों ना हो। खुसरो ने अपनी मातृभाषा हिंदी में भी काव्य कविताएं लिखी हुई, रचनाएं लिखी हुई थी, जहां तक कि उनकी हिंदी रचनाएं भी फारसी से कम नहीं है। यहां तक कि उनकी दोनों प्रकार की भाषाओं की रचनाओं की हम चर्चा करने वाले हैं यहां पर आज। इनके फारसी साहित्य के बारे में बात करें तो खुसरो ने फारसी में अपार साहित्य की रचना किया हुआ है। गद्य और पद्य दोनों ही साहित्यों में इनकी बड़ी संख्या में रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं। नवीन जानकारी के अनुसार उनकी 45 से करीब उपलब्ध रचनाओं की जानकारी मिली है। इसमें जो है 5 काव्य, 11 मसनवीय और सैकड़ों गजल शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। इनकी गद्य रचनाओं की बात किया जाए तो इनकी गद्य रचनाओं में 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें पहला है आपका एजाज खुसरवी, दूसरा है आपका खजाइनुल फता, तीसरा है आपका अफजलुल वायद। ये 3 इनकी जब से सबसे फाम जो है प्रसिद्ध गद्य रचनाएं थी। फारसी दीवान के बारे में बात किया जाए तो खुसरो ने 5 दीवान यानी कि काव्य संग्रह को दीवान कहते हैं, इसका पता लगाया चला है, वो इस प्रकार है। पहला है आपका तोड़ फदुस्गिर, दूसरा है आपका वस्तुल हयात, तीसरा है आपका गर्तुल कमाल, चौथा है आपका बकिया नकिया और 5वां है आपका निहायतुल कमाल। ओके, तो इसके बाद आगे बात करते हैं इनकी जो मसनवियाँ हैं, खुसरो की 14 मसनवियाँ उपलब्ध हुई हैं जो हमें जानने में मिल पाई हैं। वो क्या है आपका किरानुस सदैन, मफ्ताहुल फतूह, नूह सिपहर, तुगुलुक मान, मतलाउन अनवार, वस्तुल हयात, शरीर खुसरो, मजनू लैला, आईने इस्कदारी, हस्त बहिस्त, खिज्र खां व देवल रानी इस्किया, शिकायत नाम, मोमिनपुर पटियाली आदि विशेष रूप से उल्लिखित है। खुसरो का अगर हिंदी साहित्य के बारे में बात किया जाए तो खुसरो जो है अमीर खुसरो मुख्यतः फारसी के महान कवि थे। उन्होंने फारसी साहित्य की प्रायः सभी विधाओं पर लेखनी उठाई है, और अपनी फारसी रचनाओं के कारण भारत में ही नहीं बल्कि वो भारत के बाहर ईरान, तुर्की और मध्य एशिया के देशों में ख्याति प्राप्त करते हैं। उनकी फारसी रचनाएँ आज देश में कहीं अधिक विदेशों में ज़्यादा सुरक्षित हैं। उनकी अमीर खुसरो की भारतीय होने पर गर्व था, और वे अपनी मातृभाषा हिंदी से गहरा प्रेम उनका था, इसलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा में भी काव्य रचना करना अपना कर्तव्य समझा। अपने दीवान गुरतुकमाल में भूमिका में वो लिखते हैं कि तुर्क हिंदुस्तान हिंदुस्तनियम मन हिंदी गोयम जवाब, सक मिस्री नदारम कज अरब गोयम सुगम। अर्थात इनका कहने का अर्थ क्या था वो समझो, अर्थात ये कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी से जवाब देता हूँ, मेरे पास मिस्र की शक्र नहीं, मैं अरबी में बात करें
करता हूँ। इस दीवान की यह भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें स्वयं उसने हिंदी में रचना करने की बात कही हुई है। लोकप्रियता इनको हिंदी से मिलती है। खुसरो को फारसी का महानतम कवि होने के बावजूद जो ख्याति अपने देश में हिंदी काव्य के कारण प्राप्त हुई वह कदाचित फारसी काव्य से नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि फारसी काव्य से उनको ये प्रसिद्धि कैसे मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर भारत में हिंदी समझने वाले हैं, तो अगर हिंदी की में इनकी जो कविताएँ थी उन्होंने इनको हिंदुस्तान में ज़्यादा फेमस किया। खुसरो आज भारतीय साहित्य में अमर है तो केवल अपनी हिंदी साहित्य की बदौलत ही, अदरवाइज को कोई जानता भी नहीं। शायद फारसी की बदौलत नहीं, आगे चल करके मिर्जा गालिब और इकबाल भी लाख कोशिश करने पर भी अपनी फारसी रचनाओं से वह प्रसिद्धि नहीं पा सके जो उन्हें अपनी उर्दू भाषा में मिली थी। यानी कि अगर बात करोगे आप इकबाल की, आप गालिब की, तो उनको जो उर्दू भाषा से प्रसिद्धि मिली वो फारसी भाषा से कभी नहीं मिली, क्योंकि उर्दू भाषा ज्यादातर लोगों को पता था, हिंदी उर्दू मिलती जुलती भाषा है, तो ज्यादातर लोग उससे अपने आप को रिलेट कर पाते थे। खुसरो को हिंदी रचनाओं के बारे में बात किया जाए तो खुसरो की हिंदी रचनाओं की कोई पुरानी पांडुलिपि अभी तक नहीं मिली हुई है। सफदर शाह के अनुसार उनकी हिंदी रचनाओं में केवल 400 अंश आप जो है आज हमारे पास हैं, उनमें तीन विभागों में उनको विभक्त किया जा सकता है। पहला है आपका साहित्य स्वरूप की रचनाएं, दूसरा है लोक रुचि की रचनाएं, एंड थर्ड है आपका खालिक बारी कोष। साहित्य स्वरूप की रचनाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके दोहे, गज़ल और स्फुट की रचनाएं उपलब्ध हैं। तो दूसरा है आपका जो लोक रुचि की रचनाएं, तो लोक रुचि की रचनाओं में बात किया जाए तो इसमें आपकी पहेलियां, कह मुकरियां, निस्बते, सुखने, दो सुखने, ढकोसले, अनमोलिया, गीत, कव्वाली और नुस्खे आदि सम्मिलित हैं जो कि लोक रुचि की बातें हैं, रचनाएं हैं। तीसरा है आपका जो खालिक वारी कोष है, तो खुसरो की सबसे महत्वपूर्ण रचना उनकी खालिक वारी है, जो इस प्रकार एक प्रकार का पर्यायवाची कोष है। इसमें 215 शेर हैं, इसमें तुर्की, अरबी और फारसी शब्दों के हिंदी पर्याय हैं। इस प्रकार खुसरो का फारसी और हिंदू दोनों ही साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण ख्याति मिली इसको। अमीर खुसरो के काव्य सौंदर्य के बारे में बात करें कि अमीर खुसरो की काव्य सौंदर्य क्या है, तो अमीर खुसरो जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के जो है प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है और बहुआयामी होने के कारण यह गुण उनकी कविताओं में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि उनकी जो कविताएं हैं वो बहुआयामी हैं। यदि खुसरो की कविताओं में संवेदना पक्ष पर नजर डालें तो प्रतीत होता है कि यहाँ प्राप्त विषय वैविध्य दिखाई देते हैं। ज्ञानमूलक साहित्य से लेकर के सामाजिक समस्याओं पर चोट करने तक की सारी अंतर्वस्तु उनके काव्य में विद्यमान है। ऐसे खुसरो के साहित्य काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं। जैसे कि पहले विशेषता की बात किया जाए तो वो है समृद्ध ज्ञानमूलक साहित्य। यानी कि खुसरो का ज्ञानमूलक साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसमें पहेलियां, मुकरियां व दो सुखने भी आती हैं। बाल मनोरंजन का एक उदाहरण इस प्रकार से है, अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरह से है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। दूसरा इनका जो चीज़ है वह है सूफी दर्शन। खुसरो के काव्य में सूफी दर्शन जिसमें इश्क मिजाजी से इश्क हजीजी तक की यात्रा है, यानी कि इश्क की शुरुआत से लेकर के इसके इलाही तक की वो चीज़ें हैं। एक उदाहरण से उन्होंने इस तरह से, अगर आप चाहो तो डिस्टर्ब देख सकते हो, वो क्या है, गौरी सेवे सेज पर मुख पर अरे केस, चल खुसरो घर आपने रे भाई चहुदेश। तीसरा बात किया जाए तात्कालिक सामाजिक समस्याओं की अभिव्यंजना करते हुए भी खुसरो लिखते हैं। खुसरो का संवेदना संसार, मनोरंजन या दर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को भी अपनी तत्परता से उभारा हुआ है। उन्होंने उनकी जैसे अगर समझना चाहो आप तो काहे को न्याहे प्रदेश सुना बाबुल मोरे, इस तरह की ये जो कविताएं ये आपको दिखाती हैं कि उनका उस समय की समस्याओं पर भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चौथी बात किया जाए तो चौथी चीज़ है आपका समन्वय की विराट चेतना थी। हिंदू परमात्मा को अद्वितीय, अजर और अमर, निर्गुण और निराकार ही मानता है। मूर्ति उपासना जो है ये केवल ढकोसला मात्र है, खुसरो ने इस पर कहा है। खुसरो ने कहा क्या कहा है इस पर, एक जाबुत ताउना व हिंदी बरी हमजवे आमोच परिस्त गेरी। यानी कि अर्थात वो क्या कहते हैं कि ए तू इस्लाम धर्मी जो हिंदी पर अपने मूर्ति पूजक होने के कारण कटाक्ष करता है, तू इसे तन्मय होकर के इबादत करना सीख। खुसरो आगे कहते हैं, चूंकि लोगों ने उनसे ये ज्ञान की बातें प्राप्त करने की कोशिश नहीं की इसलिए वे रहस्य के पर्दे में पड़े रहे। इस प्रकार खुसरो हिंदू और मुसलमानों को समीप लाना चाहते थे, जिससे उनके साहित्य में जो उनकी साहित्य है इससे क्या होता है, उनकी जो साहित्य है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। साहित्य में समन्वयवाद की भावना का बोध होता है।
पांचवी चीज इसमें है कि अगाध देश प्रेम इनकी भावनाओं में दिखाई देता है। खुसरो को अपने देश से अत्यधिक प्रेम था। यह प्रेम उनकी रचनाओं में स्थान स्थान पर परिलक्षित होता है। वे भारत को पृथ्वी का स्वर्ग मानते हैं, जैसे उन्होंने कहा, किसवरे हिंद अस्त बहिस्ते वाजमी। सिक्स नंबर है, उनकी मातृभाषा से प्रेम था, अपनी मातृभाषा से उनका प्रेम। अमीर खुसरो को अपनी मातृभाषा हिंदी से बड़ा प्रेम था, जिसका परिचय उन्होंने स्वयं इस रूप में दिया है, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदियम गोयम जवान, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदी में ही मैं जवाब देता हूँ। भाषा और शिल्प के बारे में बात करें अमीर खुसरो की, तो खुसरो की कविताएं संवेदनात्मक रूप में जितनी विशिष्ट जो है उतनी ही वो शिल्प की दृष्टि से भी है। उनका साहित्य हमें प्रारंभिक ब्रज व खड़ी बोली से परिचित कराता है। आश्चर्य तो तब होता है जब उनके वहाँ शुद्ध ब्रज का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक उदाहरण के स्वरूप आप समझ सकते हो, गोरी सो में सोज सेज पर मुख डारे केस, यह शुद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। एक थाल मोती से भरा, यह शुद्ध खड़ी बोली में है। तो इस तरह से खुसरो की बड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ रही हैं। खुसरो की कविताएं माधुर्य व प्रसाद गुणों से युक्त हैं। वहीं दूसरी ओर चित्र का जो है चित्रात्मकता हो गया, बिंबितात्मकता हो गया, जो है वैचित्र हो गया, उच्च कोटि की व्यंग क्षमता हो गया, इससे युक्त है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की प्रणेता के रूप में खुसरो ने भाव शिल्प से के स्तर पर हिंदी साहित्य का कई आयाम उसने प्रदान किया हुआ है। अब अगर आगे बढ़े, हिंदी जो है इनकी भाषाएँ हैं जो इन्होंने कविताएँ लिखी हुई हैं उसकी व्याख्या किया जाए, तो व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने एक लिखा हुआ है इनकी व्याख्या भाग में, पहला जो इनकी पद है वो कह रहा है, आपका छापा तिलक तज दीन है रे, तो से नैना मिला के प्रेमवटी का जो है गढ़वा पिला के मतवारी कर दीन है रे, मोरे नैना मिला के खुसरो निजाम पर बलि बलि जाइए, मो सुगाहन किन्हे रे मोरे नैना मिला के। उपर्युक्त जो ये अभी चीज़ें, अगर इसका संदर्भ लिखना चाहे तो उपर्युक्त पदखंड जो हमारी पाठ्य पुस्तक जो है अमीर खुसरो व्यक्तित्व कृतित्व जो है कृतित्व में सम्मिलित अमीर खुसरो विरचित, इसकी कव्वाली से उद्गृत है। प्रसंग के बारे में बात किया जाए तो यहाँ कभी आध्यात्मिक भाव के अभिव्यक्ति करते हैं। इसकी व्याख्या के बारे में बात किया जाए तो कभी कहता है कि हे प्रियतम, यानी कि वो परमात्मा को मुखाविर करते हुए कहता है कि जब आपसे मेरा जीवन साक्षात्कार हुआ, अर्थात आपके नेत्रों में जब मैंने नेत्र मिलाए, तो मैंने तिलक आदि जो ब्रह्म आडंबर है उनका परित्याग कर दिया। जो आडंबर मुझे समाज में दिख रहे थे उन वो सारी चीज़ें मैं छोड़ चुक दिया मैंने। जब आपसे नेत्र मिला, नेत्रों से मिले, तो उसमें उभरने वाले प्रेम रूपी बूटी का पान करके मैं मतवाली हो गई। अर्थात अमीर खुसरो अपनी प्रेम रूपी बूटी के नशे में मदमस्त कर दिया। अमीर खुसरो कहते हैं कि ऐसे प्रियतम कौन निछावर नहीं होना चाहेगा जिससे मुझे सुहागन कर दिया। जब मेरे और उसके नेत्र मिले तभी, अर्थात जब ब्रह्मा और उसके जीवात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो वह स्वयं को सौभाग्यवती समझती है। तो इस तरह से अमीर खुसरो ने इसमें अपने आध्यात्मिक भाव को व्यक्त किया हुआ है। इसके काव्य सौंदर्य के बारे में बात किया जाए तो इसमें काव्य सौंदर्य में आध्यात्मिक भाव की अभिव्यक्ति है। अलंकार के बारे में बात किया जाए तो इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें सेकंड नंबर जो उनकी कविता है, सेकंड कविता है आपकी, गोरी सोवे रोज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। जो आपको अगर संदर्भ लिखना है तो संदर्भ मतलब कहां से लिया गया, उसी चीज हमने आपको पिछले जो है कविता में ही बता दिया है। प्रसंग क्या रहेगा तो यहाँ कवि संसार की निसारता की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, व्याख्या कहते हैं करते हुए अगर लिख सकते हैं कि कवि कहता है कि मेरे प्रिय बिस्तर पर लेटे हुए हैं, इन्होंने संसार में से पर्दा कर लिया है, इनके लाने के साथ ही इस संसार से रोशनी चली गई, अब यहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। ऐसे में मैं खुसरो अब अपनी असली धूर चलो, क्योंकि चारों ओर रात्रि अपने अंधकार को लेकर के व्याप्त हो गई है। तो इसमें अगर काव्य सौंदर्य के बारे में बात किया जाए तो इसमें काव्य सौंदर्य क्या है कि संसार की निसारता की ओर संकेत किया गया है। रस के बारे में बात किया जाए तो शांत रस है। शब्द शक्ति जो है वो लाक्षणिक है इसमें। तीसरी इनकी कविता के बारे में बात किया जाए तो तीसरी इनकी कविता है, चकवा चकवी दो जने उनको मारे ना कोए, इह मारे करतार के रैन बिछावे होए। संदर्भ आपको पिछले की तरह ही लिखना है। प्रसंग में कह रहा है, प्रस्तुत कविता में इन्होंने दो बिरही यानी कि दो बिछड़े हुए चकवा चकवी की पीड़ा के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बिछड़ने का संकेत दे रहे हैं कि आत्मा से परमात्मा किस तरह से बिछड़ा हुआ है और किस तरह से एक दूसरे से मिलने के लिए वो आतुर रहते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए अमीर खुसरो ने लिखा है कि खुसरो चकवा चकवी पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी दिन में तो मिल जाते हैं परंतु रात्रि आने पर दोनों का विभोग जो है बिछोभ हो जाता है, ठीक उसी तरह आत्मा और परमात्मा अलग अलग बिछड़े हुए हैं।
खुसरो कहते हैं कि इन चकवा पक्षी को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इन्हें तो पहले ही भगवान ने रातों में विछड़ने की मार दे दिया है। इसके कौन काव्य सौंदर्य के बारे में बात किया जाए तो इसमें भाषा जो है खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, गुड़ प्रसाद है और अलंकार इसमें अनुप्रास का यूज किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अमीर खुसरो की काव्य सौंदर्य और उनकी काव्य और उनकी रचनाएं हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यही कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे, कुछ पद दे दिए जाएंगे, आपसे इसका संदर्भ सहित व्याख्या पूछ लेगा। तो यही सारी चीज़ें अमीर खुसरो से रिलेटेड आती हैं कि अमीर खुसरो का हिंदी साहित्य पर क्या योगदान रहा या उनका क्या योगदान रहा भारतीय साहित्य पर, भारतीय कविता में, या फिर उनका जो है काव्य सौंदर्य के बारे में बताओ, अमीर खुसरो के काव्य सौंदर्य के बारे में बताओ, या उनकी कुछ कविताएं दे देंगे उसका आपको संदर्भ से व्याख्या करना होगा। ये तीन चीज़ें पूछी जाती है किसी भी विद्वान से लेकर के। तो पिछली वीडियो में हमने गोरखनाथ के बारे में जाना था, इस वीडियो में हमने अमीर खुसरो के बारे में जाना है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पर प्लीज़ विजिट द चैनल। इसका आपको अगर जो है PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उससे डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।